बोर्ड में लोकार्पण और राउत नृत्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शिरकत की। कृषि मंत्री ने नवीन पानी की टंकी का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि गुणेश पटेल ने 9 साल से राउत नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे जिसको नहीं कर पाए, जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद महज 10 दिनों के भीतर किसानों के किए वादे को पूरा कर रही। 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार किसानों की धान को जो है 3000 रुपए क्विंटल में खरीदेगी। इस बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य 1010 लाख मिलिट्री टन है। और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान की फसल के बाद इस प्रकार से लगभग प्रत्येक गांव में खूब उत्साह से मेला मनाने का आयोजन होता है। मेरे कातुर बोर्ड में तो लगातार ये 9वां वर्ष था। कातुर बोर्ड और आसपास की जनता का भाष ने हमको दिया है, किसानों से बात करने में हमको बड़ी खुशी होती है। आज बेहद उत्साह के माहौल में भव्य आयोजन किया गया, तो मैं ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ। लोगों के मन में खुशी है, उनको धान की कीमत मिल रही है, गोधन न्याय का काम अच्छा चल रहा है, खेतिहर मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन गरीबों को लाभ मिल रहा है।